नमस्कार आदाब, सैनिक 24 से मैं जुनी चंदा जी आपका आपके सामने आने का हमारा खास मकसद है। इस वक्त मैं सोलापुर में हूँ और सोलापुर की एक दिग्गज हस्ती हमारे साथ में है प्रमोद दादा गायकवाड़। जय जय सलाम अलैकुम दादा। सबसे वाले से दादा, सबसे पहली बात ये सिविल हॉस्पिटल में आपका आने का मकसद, आपका मोटिव क्या है, हम जानना चाहेंगे दादा। आज रिपब्लिक पक्ष की तरफ से सोलापुर का जो शासकीय रुग्णालय जो है शिवाजी अधिष्ठा सिविल हॉस्पिटल, यहाँ पे रिपब्लिक पक्ष के माध्यम से आज रैली निकाली है। रैली इसलिए निकाली है कि सोलापुर जो विद्यमान जो खासदार है एमपी जय सिद्धेश्वर महाराज, इन्होंने जो सोलापुर के लोकसभा में जो खोटा झूठा एससी का दाखला लगा के जो चुन के आए है, उनका जो दाखला जो है झूठा है, जो झूठा देने वाला जो आरोपी है शिवसिद्ध भुल्ला, इन्होंने क्या करेला है कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर को मैनेज करके उनको चिरी मिली दे के ये सोलापुर शासकीय हॉस्पिटल में गए, 10-15 दिन से एडमिट है, उसको ये जो सुविधा है जो है, इसका मतलब कि उन्होंने झूठा उनको दाखला दिया है। हाँ, झूठा ट्रीटमेंट लेके उसको एडमिट कर रहा है। तो दादा, मैं आपको के माध्यम से एक बात करना चाहूंगा, ये इस मामले को एक सेकंड के लिए बाजू रखता हूँ। ऐसे बहुत से मामले होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, तो उसके ऊपर कोई ऐसा फोकस नहीं करते दादा। यहाँ सोलापुर में तो आप जो बोले सही जो है, मैं मानता हूँ कि आज जो भी है कि हमारे सामने अभी तक नहीं आते, लोग चर्चा करते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में आरोपी को छोड़ने के वास्ते, आरोपी को एडमिट करने के वास्ते अपंग का दाखिला हो, या सोलापुर के जो बेवारस जो व्यक्ति हो उनकी भी हानि हो जाती है, उनके शरीर पर जो सोना है सोना भी चोरी जाता है। यहाँ सोलापुर शहर सोलापुर छत्रपति सिविल हॉस्पिटल के यहाँ बहुत बड़े क्या नगर सेवक है, क्या साइकिल स्टैंड वाले दलाल लोग है, जो सोलापुर शहर में जिले में के जो ग्रामीण भाग के लोग यहाँ पे आते हैं, तुम्हारा का अपर का दाखिला रहने दे, ये अनेक दाखिले है सोलापुर। इन पे कार्रवाई किस तरह से की जाएगा? इनको ताबड़तोब इनको सस्पेंड करके जो डॉक्टर बोगस दाखिले रखते थे उसको सस्पेंड निलंबित करने के, उनको 420 का गुना नोन करना चाहिए। जी तो दादा, फिर आपने निवेदन दिया है, यहाँ पर यहाँ डॉक्टर का क्या कहना है? यहाँ जो अधिष्ठा है संजय ठाकुर साहब को हम विनंती कर रहे हैं कि ठाकुर साहब जो अपने हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बेकायदेसर काम चलते हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, डॉक्टर है, डॉक्टर के माध्यम से सोलापुर शहर में के बहुत सारे सोलापुर जिले के यहाँ दलाल है, दलाल के माध्यम से जो सोलापुर शहर में जो पेशेंट लोग हैं सोलापुर के उपचार करने के वास्ते उनकी बहुत बड़ी हानि होती है, उनके ऊपर अन्याय होता है, ऐसा दलाल लोगों को अपन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके सब दलाल लोगों को जेल में डालना चाहिए, ऐसा हमें विनती करें। आपने जो निवेदन दिया है, अगर इसके कोई कार्रवाई नहीं हो तो आपका अगला कदम क्या होगा दादा? अधिष्ठ साहब को हम विनती कर रहे हैं पक्ष तरफ से कि साहब जो दलाल लोग है जो झूठे दाखिले देते हैं, जो झूठे डॉक्टर है उनके सबके सर्टिफिकेट तपासो, आज जल्दी से जल्द आप उनको कार्रवाई करिए। आप जो कार्रवाई नहीं करने के बाद हम सोलापुर शहर में बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगे, जो यहाँ के जो सोलापुर जो शासकीय रुग्णालय में जो डॉक्टर रहेंगे ना कंपाउंडर रहेंगे ना नर्स रहेंगे, हम रिपब्लिक पक्षाच्या माध्यमातून बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन करके उनके मुंह को काला काला लगा के
इस सोलापुर शहर में धिंड काटेंगे, ऐसा प्रकार में आह्वान करके आए। दादा आपका आपका जो काम है, आपका जो सोशल एक्टिविटी है, उसको सलामी। दादा आपको मैं और एक बात आपके जहन में लाना चाहता हूँ कि शहर सोलापुर में मल्लिकार्जुन नगर में एक लड़की का मर्डर हुआ, उसका आपको महती है क्या? एक महीना पहले हुआ। तो मल्लिकार्जुन नगर में एक लड़की सुनीता कौशिकर, उसका उसका अपहरण करके उसकी शादी की मांगनी किए थे, तो उन्होंने लड़की को नहीं दिया। वो लड़की 17 साल की थी और लड़का था 30 साल का। तो लड़की को आईपीएस बनना था, तो उन्होंने उसको लड़की को नहीं दिया, तो उस लड़के ने उसको अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया। तो उसके लिए उसकी लड़की की माँ इंसाफ के लिए बहुत घूम रही है, पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व थी। एक ही बंदा ज्योतिबा गायकवाड़ वो अंदर है, बाकी की फैमिली बाहर है। तो दादा इस चीज़ के लिए सोलापुर में कोई ऐसे दिग्गज लोग नहीं जो आवाज़ उठाए? दादा अभी जो सोलापुर शहर में जो हद्दवाड़ में जो मर्डर हुआ है, वो लड़की का आलपिन वही है, उसका जो मर्डर हुआ उसका बहुत बड़ा अन्याय था। जब मैं पेपर में पढ़ा हूँ पर डिटेल मुझे मालूम नहीं, उनके कुटुंब वाले जो उनके जो कुटुंब जो है उनके प्रमुख, उनको जाके मिलता हूँ, सही हकीकत में मालूम लेके जो जो सही रहा तो उसके उनको न्याय देने के वास्ते, उनका हक देने के वास्ते मैं मेरा पक्ष है, मैं खुद रोड पर उतरूंगा, न्याय देने का काम मैं करूंगा। उनकी लड़की की माँ का, दादा एक मिनट, लड़की की माँ का ये कहना है कि रुग्णालय हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी को एडमिट किया गया तो उनका कहना था कि डेड बॉडी ही यहाँ पर लाया गया, तो डेड बॉडी को रात भर वहाँ पर रखा गया। तो आप सिविल हॉस्पिटल वहाँ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं।